बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम है आप सबका फ्रॉम सनाज़ किचन में। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल शादियों जैसा चिकन स्टीम रोस्ट लेकर हाजिर हो गई हूँ, जो कि बहुत मज़ेदार बनने वाला है और बहुत ही आसान रेसिपी है जो कि झटपट में तैयार हो जाएगा। तो व्यूअर्स, वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है, तो चलें जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने 2 किलो चिकन ले लिया है और इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। बिल्कुल इस तरह की बड़ी बोटी मैंने यहाँ पर ले ली है और इसको मैं इस तरह से कट लगा लूँगी। ज़्यादा गहरे कट लगाने हैं ताकि हमारा जो मैरिनेटेड मसाला है वो पीस के अंदर तक चला जाए। चलें जी व्यूअर्स, अब जल्दी से हम स्टीम रोस्ट को एक कढ़ाई में रखते हैं और आधा कप मैं यहाँ पर चिली सॉस का शामिल करूँगी, आधा कप मैं यहाँ पर सोया सॉस का शामिल करूँगी, इसी के साथ साथ आधा कप सिरके का शामिल कर लेंगे और 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पर कसूरी मेथी शामिल कर देनी है। इसी के साथ साथ 2 टेबलस्पून मैं धनिया पाउडर शामिल करूँगी, 1 टेबलस्पून लहसुन पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून काला नमक और 1 टेबलस्पून नमक, इसी के साथ साथ 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर। चलिए जी, अब जल्दी से सारे स्पाइसेस को शामिल करते हैं। इसी के साथ साथ मेरे पास 1 कप दही का है जिसको मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लिया था, वो भी शामिल कर दूंगी और साथ ही इसमें हम फूड कलर भी शामिल करेंगे। फूड कलर का मैंने तकरीबन 1/2 टीस्पून लिया है, वो मैं शामिल कर दूंगी और इसी के साथ साथ 1 टेबलस्पून चाट मसाले का है, वो भी शामिल करूंगी। अब व्यूअर्स, हमने हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और व्यूअर्स काला नमक आपने लाजमी शामिल करना है। काले नमक से स्टीम रोस्ट का टेस्ट बहुत इन्हेंस होकर आएगा। और यहाँ पर मैंने सारे स्टीम रोस्ट को मैरिनेट कर लिया है, अब 30 मिनट्स के लिए इसको हम कवर देंगे। जी तो व्यूअर्स, मैरिनेट किए हुए आधा घंटा हो चुका है, इस पॉइंट पर मैं आधा कप पानी का शामिल कर दूंगी और इसको फिर हमने फ्लेम ऑन करके चूल्हे के ऊपर रख देना है और इसको तकरीबन हम अब 40 से 45 मिनट के लिए स्टीम रोस्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स, स्टीम रोस्ट बिल्कुल तैयार है। व्यूअर्स, मैंने यहाँ पर 30 मिनट्स पे कैप उठाकर स्टीम रोस्ट को चेक किया था, तो साथ ही मैंने तिल भी शामिल कर दिए थे। तिल की वीडियो मैं बनाना भूल गई थी, तो मैंने सोचा आपको ऐसे बता दूं ताकि आपका स्टेप स्किप ना हो। तो जी, हमारी स्टीम रोस्ट की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी मजीद मज़ेदार सी रेसिपीज आपको मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।